हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू सिक्स पार्ट ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री क्लास। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर सिक्स से शुरू करेंगे, ठीक है। प्रूव द फॉलोइंग। कट इनवर्स 10 2x प्लस कट इनवर्स माइनस 2x इज इक्वल टू पाई है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे बेटा, कट इनवर्स को लिख दो ऐसे। फ्रॉम LHS हमको सॉल्व करना है और RHS दिखाना है, तो LHS ले गए हम कट इनवर्स। तो ये 10 2x को लिखेंगे हम कट पाई बाई 2 माइनस 2x, क्योंकि अब मान के चलिए 10 2x, 2x जगह थीटा मान के चलिए, तो 10 थीटा क्या होता है आपका, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा होता है। अगर थीटा का जगह 2x है, तो हम इसको पाई बाई 2 माइनस 2x करके लिख सकते हैं कि नहीं, ऐसे है ना। आफ्टर दैट प्लस कॉट इनवर्स, यहाँ पर माइनस है, बस यहाँ पर प्लस एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉट इनवर्स कट है, तो कॉट इनवर्स कट कटने के बाद पाई बाई 2 माइनस 2x रहेगा। यहाँ पर कॉट इनवर्स है, यहाँ पर कट है, ठीक है। तो ये कट जाएगा और पाई बाई 2 प्लस 2x होगा। 2x माइनस 2x प्लस 2x कैंसिल होकर पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 दैट इज 2 पाई बाई 2 इज इक्वल टू पाई, हमने दिखा दिया, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। टेन इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x प्लस 1 इज इक्वल टू टेन इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 हमको दिखाना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, LHS लेके जो आपका कॉट इनवर्स x प्लस 1 है बेटा, उसको हम 10 में कन्वर्ट करेंगे। दैट इज कॉट इनवर्स x का मतलब क्या है आपका, टेन इनवर्स 1 बाई एक्स करके फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। तो इसको जब हम x मानेंगे, है ना, सॉरी इसको जब x मानेंगे तो ये 1 बाई एक्स होगा, दैट इज 1 बाई एक्स प्लस 1, ठीक है। तो हमको और एक चीज़ क्या पता है कि टेन इनवर्स x प्लस टेन इनवर्स y का फॉर्मूला टेन इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, है ना। तो ये आपका x है, ये y है, दैट इज x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई टेन इनवर्स, ठीक है। तो देखिए इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो LCM हो जाएगा x प्लस 1। फिर LCM लेने के बाद ऊपर में जो आप कैंसिल प्लस में आपको क्या बोलते हैं कि इसको इंटू एंड प्लस करोगे तो हो जाएगा आपका एक्स इंटू एक्स प्लस 1 प्लस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय एक्स प्लस 1, ये कैंसिल हो जाएगा। फिर ये बचेगा जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स एक्स कैंसिल होने के बाद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय 1 होगा, दैट इज टेन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो RHS हम प्रूव कर दिए। अब देखते हैं थर्ड नंबर बेटा। थर्ड नंबर में क्या कहता है कि टेन इनवर्स ए माइनस बी प्लस टेन इनवर्स बी माइनस सी, सॉरी टेन इनवर्स ए माइनस बी बाई ए 1 प्लस ए बी प्लस टेन इनवर्स बी माइनस सी डिवाइड बाई 1 प्लस बी सी इज इक्वल टू टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स सी। तो पहले LHS ले जाते हैं। LHS में क्या है आपका, टेन इनवर्स ए माइनस बी डिवाइड बाई 1 प्लस ए बी प्लस टेन इनवर्स बी माइनस सी डिवाइड बाई 1 प्लस सी, इसको आप लिख देंगे पहले, ठीक है। आफ्टर दैट क्या करेंगे बेटा, ये देखिए ये इसका फॉर्मूला है, ये दैट इज टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स बी, और इसका फॉर्मूला है टेन इनवर्स बी माइनस टेन इनवर्स सी, क्योंकि आप जस्ट प्लस का किए थे तो ये आपका माइनस का फॉर्मूला है। तो देखिए यहाँ पर माइनस टेन इनवर्स बी प्लस टेन इनवर्स बी कैंसिल होने के बाद रहेगा आपका टेन इनवर्स ए माइनस टेन इनवर्स सी। तो प्रूव कर दिए क्वेश्चन क्या करी। अब आते हैं हम, अब देखिए क्वेश्चन नंबर आई भी, दैट इज कॉट इनवर्स पी क्यू प्लस 1 डिवाइड बाई पी माइनस क्यू प्लस कॉट इनवर्स क्यू आर प्लस 1 डिवाइड बाई क्यू माइनस आर प्लस कॉट इनवर्स आर पी प्लस 1 डिवाइड बाई आर माइनस पी इक्वल टू 0 जो है बेटा, पहले हम ना LHS पार्ट लिख लेंगे। आफ्टर दैट क्या करेंगे कि कॉट इनवर्स x का फॉर्मूला क्या होता है आपका, टेन इनवर्स 1 बाई एक्स होता है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, कॉट इनवर्स पी क्यू प्लस 1 डिवाइड बाई पी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पी क्यू प्लस 1 डिवाइड बाई पी माइनस क्यू लिख सकते हैं। तो ये जब ऊपर चला जाएगा तो ये आपका हो जाएगा टेन इनवर्स पी माइनस क्यू डिवाइड बाई पी क्यू प्लस 1, ठीक है। वैसे ये भी होगा, ये भी होगा, चेंज करने के बाद देखिए बेटा क्या होगा, ये आपका फॉर्म हो गया, फॉर्मूला हो गया ना, ये अब एडजस्ट किए थे। अब देखो इसको टेन इनवर्स पी माइनस टेन इनवर्स क्यू, इसका हो गया टेन इनवर्स क्यू माइनस टेन इनवर्स आर प्लस टेन इनवर्स आर माइनस टेन इनवर्स पी। तो देखिए बेटा यहाँ पर सब कट जाएगा, प्लस माइनस सब है कट जाएगा और जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर भी पे। क्वेश्चन नंबर भी जो है सेम ही है, स्क्वायर होके है, ठीक है, सेम ही है आपका आई भी नंबर का। सेवन नंबर देखिए, प्रूफ द फॉलोइंग। टेन इनवर्स टू ए माइनस बी डिवाइड बाई बी रूट थ्री प्लस टेन इनवर्स टू बी माइनस ए डिवाइड बाई ए रूट थ्री इक्वल टू पाई बाई थ्री दिखाना है हमको, ठीक है। तो इसको हम x मानेंगे, इसको y मानेंगे, अकॉर्डिंग टू दैट फॉर्मूला आई एम पुटिंग हियर टेन इनवर्स x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे आप, बी रूट थ्री ए रूट थ्री जो है आप LCM लेके, ए बी रूट थ्री हो गया, है ना। इसको जब LCM लेके सॉल्व करोगे आपके पास आ जाएगा
एट लास्ट टेन इनवर्स टू रूट थ्री ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई टू इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर टू टू कैंसिल होगा बच जाएगा आपका और ये भी कैंसिल हो जाएगा बचेगा आपका टेन इनवर्स रूट थ्री। तो टेन इनवर्स रूट थ्री आपका टेबल में पाई बाई थ्री में आता है दैट इज योर 90 डिग्री में आता है ठीक है बेटा 60 डिग्री में आता है। क्वेश्चन नंबर टू देखिए टेन इनवर्स वन बाय एक्स प्लस वाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वन इज इक्वल टू टेन इनवर्स वन बाई एक्स दिखाना है हमको। एल एच एस ले जाओ आफ्टर दैट देखिए इसको एक्स मानो इसको वाई मानो और वो फॉर्मूला है पुट कर दो दैट इज टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई वन माइनस एक्स वाई है ना। इसको फिर से आप सॉल्व करना बिट टू बिट करते हैं हम आप खुद से कर लेना आफ्टर दैट देखिए ये कैंसिल हो जाएगा बचेगा वन बाई एक्स दैट इज टेन इनवर्स वन बाई एक्स हमको प्रूफ करना था हम प्रूफ कर दिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड बेटा साइन इनवर्स रूट ऑफ एक्स माइनस क्यू डिवाइड बाई पी माइनस क्यू इज इक्वल टू कॉस इनवर्स पी माइनस एक्स डिवाइड बाई पी माइनस क्यू इज इक्वल टू कॉट इनवर्स पी माइनस एक्स एक्स माइनस क्यू रूट ओवर ठीक है। तो ये जो है वी हैव साइन इनवर्स एक्स माइनस क्यू रूट ओवर सॉरी रूट ओवर एक्स माइनस क्यू डिवाइड बाई पी माइनस क्यू है। तो बेटा देखिए दिस इज इक्वल टू दिस है ना तो इसको हम ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं p माइनस क्यू माइनस एक्स प्लस क्यू मतलब देखिए ये माइनस क्यू है ये प्लस क्यू है कटने के बाद p माइनस एक्स एज यूजुअल रहेगा इसको ऐसे अरेंज कर सकते हैं है ना। फिर देखिए लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x माइनस क्यू डिवाइड बाय p माइनस क्यू रूट ओवर ले जाएंगे ठीक है। तो जब इसका डिपेंडेंसी चेंज होगा ये साइन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आपका साइन y इज इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस क्यू डिवाइड बाय p माइनस क्यू ओके। तो हमको cos y का फॉर्मूला क्या है पता रूट ओवर ऑफ वन माइनस साइन स्क्वायर आई क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू हम वन बोलते हैं है ना। अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा को इधर रख देंगे और वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा कर लेंगे बेटा ठीक है तो जब हम बोथ साइड रूट ओवर कर देंगे तो ये रूट और स्क्वायर कट होने के बाद कॉस थीटा होगा इज इक्वल टू रूट ओवर वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कि नहीं। तो वैसे ही यहाँ पे तो आफ्टर दैट साइन वाई को हमको मिल गया है तो इस यहाँ पर हम साइन वाई जब पुट कर देंगे दैट इज रूट ओवर ऑफ एक्स माइनस क्यू डिवाइड बाई पी माइनस क्यू रूट ऑफ होल स्क्वायर तो रूट एन ये रूट एन सॉरी ये स्क्वायर एन रूट कट जाएगा तो एज यूजुअल एक्स माइनस क्यू डिवाइड बाई पी माइनस क्यू होगा है कि नहीं। एक्स माइनस क्यू डिवाइड बाई पी माइनस क्यू तो इसको आप सॉल्व करोगे बेटा p माइनस क्यू कॉमन ले मतलब एलसीएम ले लिए फिर जब आप ये ऊपर में हो गया p माइनस क्यू माइनस एक्स प्लस क्यू और ये हो गया आपका p माइनस एक्स डिवाइड बाई पी माइनस क्यू का रूट ठीक है। तो cos y का वैल्यू हम ये पा लिए cot y क्या होता है आपका cot थीटा sin cos थीटा बाई sin थीटा होता है तो cos y का वैल्यू जो है आप लिख देना ऊपर और sin y जो है आपका नीचे लिख देना यहाँ पर हम वैल्यू पाए थे ना sin y का ये आपका cos y का वैल्यू है ठीक है और साइन वाई का भी ना है। तो आफ्टर दैट सी जब आप पुट कर दोगे और इनटू जब होगा ये ऊपर चला जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा बचेगा रूट ऑफ पी माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस क्यू तो कॉट वाई आपको मिल गया क्या कॉट वाई इक्वल टू रूट ओवर ऑफ पी माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस क्यू और वाई कॉट इधर चला आएगा तो ये पी माइन इनवर्स हो जाएगा दैट इज कॉट इनवर्स रूट ऑफ पी माइनस एक्स डिवाइड बाई एक्स माइनस क्यू दैट इज इक्वेशन टू। तो वन और टू को कंपेयर करो फिर देखना ये सब इक्वल आएगा ठीक है। सो हमने प्रूव कर दिया ओके बेटा अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आई बी पे साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई प्लस कॉस इनवर्स जेड दिखाना है। तो देखो क्या करेंगे हम साइन स्क्वायर जो एल एच एस से लिख लो पहले फिर देखो ये साइन स्क्वायर साइन इनवर्स साइन स्क्वायर को साइन स्क्वायर लिख लो और ये जो साइन इनवर्स आपका है ना इसको हम क्या लिख सकते हैं क्योंकि एक फॉर्मूला है हमारा साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई टू है ना। अगर साइन इनवर्स के ऐसे रख देंगे हम यहाँ पे तो ये आपका पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स होगा इस तरफ चला आया तो सिंपली यहाँ पर हम ये लिख दिए तो y को लेके यहाँ ऐसे cos इनवर्स y करके लिख दिए और z को लेके पाई बाई टू माइनस cos इनवर्स z करके लिख दिए ठीक है बेटा। आफ्टर दैट सेम
थ्री वाई बाई टू मतलब होता है 270 डिग्री। तो साइन में क्या होता है, साइन 270 डिग्री माइनस थीटा होता है साइन थीटा, ठीक है। तो ये साइन 270 डिग्री माइनस थीटा इज योर, सॉरी बेटा कॉस थीटा, दिस इज योर कॉस थीटा। सो ये आपका हो जाएगा कॉस, ये आपका थीटा है, ये 270 डिग्री है, ये माइनस थीटा है, तो कॉस थीटा, ठीक है, स्क्वायर है करके इधर कॉस स्क्वायर होगा। तो हमने प्रूफ कर दिए। आफ्टर दैट सी टेन ऑफ टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड इक्वल टू, ये दिखाना है हमको। सिंपली आप जैसे यहाँ पर किए यहाँ भी ऐसे ही करोगे, क्योंकि हमको पता है टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स सॉरी टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई बाई टू, ठीक है। तो टेन इनवर्स एक्स की जगह हम पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स एक्स करेंगे, वैसे ही यहाँ पर पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स वाई और यहाँ पे पाई बाई टू माइनस कॉट इनवर्स जेड करेंगे, ठीक है बेटा। तो इधर देखिए क्या करेंगे हम, पाई बाई टू पाई बाई तीनों में है, सो हम थ्री पाई बाई टू कॉमन करके माइनस करके लिख देंगे कॉट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स वाई कॉट इनवर्स जेड, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पर क्या होगा, 270 डिग्री माइनस थीटा टेन लेके जो है कॉट थीटा होगा, दैट इज कॉट, दिस इज योर थीटा, ये दिस इज 270 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, यही ना प्रूफ करना था हमको। तो ये आपका सेवन नंबर कंप्लीट करता है, और फिर हम एट नंबर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है बेटा। थैंक यू।